ये तस्वीरें राजस्थान की है जहां पर विधायक बलजीत यादव पहले तो 2.5 घंटे से एसडीएम साहब का दफ्तर में इंतजार करते रहे और जब एसडीएम साहब आए तो नशे में धुत थे। विधायक एसडीएम से बात कर ही रहे थे कि उन्हें एसडीएम के मुंह से दुर्गंध आई और उन्होंने तभी पूछ लिया कि क्या आपने शराब पी रखी है। जांच करा ली ना और तो आपके के हाई लेवल से करा दो, आप जांच करने को हाई लेवल साफ करा दो। और दूसरा, आपने शराब पी रखी है, स्मेल आ रही है जो शराब का, ठीक है डॉक्टर ने बुला लेते हैं। ये सुनकर विधायक का पारा चढ़ जाता है और उसके बाद देखिए विधायक जी कैसे सीधा कलेक्टर को फोन मिलाते हैं और जांच की बात कहते हैं। हाँ नमस्ते कलेक्टर साहब, आपके एसडीओ ने दारू पी रखी है इस पर और जांच करवाओ, अभी आप भेजो, मैं यही हूँ, आप भेजो, किसी को भिजवा दो, मैं यही हूँ। खेती देगा वो तो कलेक्टर देगा, उसका काम है। सर नमस्कार सर, मैं आ गया यहाँ सारा कुछ है और एम्बुलेंस आ रही है, मैं दारू पी के आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ मैं बिल्कुल ऑफिस में सारी तरीके से ठीक तरीके से फिर जा रहा हूँ और जनप्रतिनिधि की से नहीं हो सकता। आप हेलो, आप कलेक्टर साहब को भेज दो, आप भेज दो सारा किसी को भी, आप जैसे भेज दो यहाँ पे, यहाँ का टाइम में भेजेंगे, कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना सर, ठीक है सर, उसको भेज दो। जाएंगे नहीं आप? नहीं नहीं ना ना, जाएंगे आप यहाँ से? नहीं यही रहेंगे, जाएंगे नहीं आप, इतना हड़का में बड़ी समझा चले जाएंगे, आप दारू पी के चले जाएंगे। कलेक्टर ही करेगा। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो कलेक्टर ही करेगा, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। किसी को मुआवजा नहीं दो, उनको धक्के करो, ऑफिस के ताला लगा के निकल जाओ, कोई सूचना पट पे नहीं, मूवमेंट रजिस्टर में नहीं, पीए नहीं, चपरासी नहीं, ताला लगा के निकल जाओ, बात करा देंगे किसी का ताला लगा के, जब सब तरीके से बात कर रहे हैं अब उस तरीके से पब्लिक में एक साफ ये चीज़ है। 2.5 घंटे से बैठा है, मुझे मुझे कोई मजा आता है कि बैठने? आप 5 मिनट में कह देते मुझे कि साहब मैं यहाँ पर हूँ, ये काम में बिजी हूँ, ठीक है साहब ये हो जाए, बात खत्म होती है। एलिगेशन कोई कुछ भी लगा सकता है, उनको प्रूव करें, और मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और 20 महीने से इन एमएलए के साहब के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ के भैरों की जनता के साथ काम कर रहा हूँ, आप पत्रकार और जनप्रतिनिधि के साथ काम कर रहा हूँ, कभी तो ऐसी बात हुई नहीं। और आज भी मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए मैंने बोर्ड गठित करा के मैं खुद से कलेक्टर साहब को भी सूचित कर दिया है और उसका जाँच करवाऊँगा और जो होगी वो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। और अगर ये चीज़ गलत होती है तो इसके लिए कलेक्टर साहब को, एमएलए साहब को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं किसी की मर्यादा पे, किसी की इज्जत पे इस तरह से पब्लिक के बीच पानी पानी नहीं कर सकता। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।